विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे ये हम क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये है कि इसको जब 18 अप्रैल को मनाया जाता है तो इस जिसके माध्यम से ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक धरोहर ही इतिहास का प्रमाण है। विश्व धरोहर दिवस एक सामूहिक प्रयास है जो जरूरी विरासत को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। यह दिन सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशीलता और उसके महत्व को समझाता है। क्योंकि जितनी भी हमारी विरासत हैं तो वो संरक्षित रहें, ठीक से रहें, तो उसी के लिए हम ये विश्व स्मारक दिवस जो है वो जो मनाते हैं। पहले से ही प्रत्येक वर्ष इस दिन को 18 अप्रैल को हम विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस के रूप में मनाते रहे हैं, परंतु यूनेस्को ने हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत के महत्व को समझते हुए इसे विश्व विरासत दिवस में बदल दिया। यानी अब जो हम मनाते हैं उसको विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि पहले से ही इसको जब मनाते थे तो विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसमें अगर हम देखें विश्व धरोहर और उसका इतिहास की बात करें तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट्स ने पहली बार विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 1982 को मनाया था। इससे पहले वर्ष 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व प्रसिद्ध इमारतों और प्राकृतिक स्थलों की रक्षा के लिए एक प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के सामने स्टॉकहोम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को बचाने की शपथ विश्व के लगभग सभी देशों ने मिलकर ली। इसी के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर अस्तित्व में आया और इसके बाद विश्व धरोहर स्थलों की सूची बनाई गई। इस समय की अगर हम बात करें तो विश्व विरासत स्थल जो कुल मिला के कितने हैं, तो 18 अप्रैल 1978 ईस्वी में दुनिया भर में 12 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यानी हम देखेंगे जिस दिन से इसकी शुरुआत हुई उसके बाद 1978 में पहले यानी कि 82 में इसके विधिवत रूप से हुआ, उससे पहले 1978 में केवल 12 स्थलों को ही विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तब तक इसे विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस के रूप में ही मनाया जाता था, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया। लेकिन यूनेस्को ने वर्ष 1983 ईस्वी में इसे विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यूनेस्को ने इसको मान्यता दी और 1983 से ये विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मौजूदा समय में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अगर ऑफिशियल साइट से हम देखें तो उसके अनुसार जो संपूर्ण विश्व में कुल 1121 विश्व विरासत स्थल हैं और जिन्हें तीन वर्गों में बांटा गया, जो विरासत स्थल हैं उनको तीन वर्गों में बांटा गया है। पहले ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल। तो अगर हम बात करें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल की तो ये कुल मिला के 869 कुल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। प्राकृतिक स्थल की बात करें तो ये कुल पूरे विश्व में मिला के 213 प्राकृतिक स्थल हैं और उसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है वो मिश्रित स्थल, तो उसमें केवल 39 यानी कि 39 इस तरह के। यानी कि जब से देखें कि 1978 से लेके और आज तक यानी कुल 1121 ही ऐसे विश्व में स्थल हैं जिनको विश्व विरासत के रूप में मान्यता मिली है। अब अगर हम बात करें विश्व विरासत में भारतीय स्थल की कि हमारे कितने स्थल हैं, तो वर्ष 1983 ईस्वी में पहली बार जब यानी कि ये यूनेस्को ने इसको स्वीकार किया विरासत स्थल के रूप में, विश्व विरासत के रूप में, तो पहली बार में भारत के 4 ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल माना था। और ये 4 स्थल थे हमारे ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं और अलोरा की गुफाएं। जबकि आज पूरे भारत में कई विश्व विरासत के स्थल अगर हम बात करें तो अब तक 28 से 30 विरासत स्थल ऐसे हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने हैं, तो उनमें से 28 से 30 जो स्थल ऐसे हैं जो भारत के
पूरे विश्व में जो है वो माने जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो अभी हमने देखा तो विरासत स्थल, और आपने ये जाना कि भाई विरासत स्थल बनाने का या उसका उद्देश्य क्या था, तो ये सब मैंने आपको बताया। और अब मैं ये आशा करता हूँ क्योंकि जो पेरेंट्स हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपनी जो प्राचीन विरासत हैं, जो हमारे पुराने स्थल हैं, तो उनको एक बार देखने ज़रूर जाएं और अपनी जो पुरानी जो पूर्वजों की जो यादें हैं उन्हें पुनः ताज़ा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।